मैंने कहा है कि नकली दांत वाले और नकली बाल वाले भाजपा इरफान अंसारी आ गया है सदन में, अगर गड़बड़ किए तो इनके बाल भी उखाड़ूंगा और इनके दांत भी उखाड़ूंगा और जनता को बताऊंगा कि इसका असली चेहरा देखिए यही है। कभी बोलता है कि हम डॉक्टर हैं, तो कौन सा डॉक्टर है, दुनिया जानते है कि कौन वाला डॉक्टर है। झारखंड को बर्बाद करना, तो जो नकली दांत है, मैं डॉक्टर हूँ, दांत भी निकालेंगे और बाल को भी जो रंगा है ना इसको व्हाइट करेंगे। इनका तो कहना है शिक्षा के नाम पर युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं गठबंधन सरकार। भाई हम लोग क्या किया, 18 साल आपने पूछे, जातिवाद में बांट दिया, भाई भाई को लड़ा दिया, हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया और तहस नहस झारखंड को कर दिया, सिस्टम गड़बड़ कर दिया। सुधारने में समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए, हम लोग सुधारेंगे इसको। मैंने कहा है कि नकली दांत वाले और नकली बाल वाले भाजपा इरफान अंसारी आ गया है सदन में, अगर गड़बड़ किए तो इनके बाल भी उखाड़ूंगा और इनके दांत भी उखाड़ूंगा और जनता को बताऊंगा कि इसका असली चेहरा देखिए यही है। नकली लोग कभी असली नहीं हो सकते। खट गए साहब, किसी से मिलने का मौका नहीं मिला, अब क्या करेंगे, अब तो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है ना। ये विधायक तो भाई इनकी मैंने कृति जो है ना अपरंपार है। इरफान कह रहे कि मंत्री बनने की ललक हमें नहीं थी, हमारा मकसद ही कुछ और था। अरे भैया ये तो कभी बोलता है कि हम डॉक्टर हैं, तो कौन सा डॉक्टर है, दुनिया जानते है कि कौन वाला डॉक्टर है, वही यूक्रेन और रशिया वाला डॉक्टर है। आज करेंगे, कह रहे कि दांत उखाड़ेंगे। अरे यही यूक्रेन वाला डॉक्टर है, रशियन डॉक्टर है, तो क्या होगा। लेकिन ठीक है, माननीय विधायक तो है, मैं इतना मानता हूँ, लेकिन ये लोग तो कलकत्ता नहीं, नहीं नहीं, ये लोग कलकत्ता में काहे गिरफ्तार हुआ था भाई, 3 महीना जेल में रहा, पैसा के साथ पकड़ाया। ऐसे भ्रष्ट लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं स्पष्ट जानता हूँ कोई भी व्यक्ति हो, और मैं इसी के लिए बदनाम हूँ। यदि अपनी पार्टी से गद्दारी करता है कोई भी व्यक्ति, तो मैं उसे गद्दार ही कहता हूँ, सीधा सा बात है। इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करने का काम किया था, और ये हैं, देखिए अंदर में बहुत सी बातें।